नमस्ते दोस्तों, मैं प्रोफेसर सुभाष, हिंदी विभाग, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र से आज आपके साथ चर्चा कर रहा हूं एक अद्भुत अपूर्व स्वपन के बारे में, जिसे लिखा है हिंदी के महान साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। ये स्वपन की शैली में लिखे गया एक ऐसा निबंध है जो उस समय भी बहुत चर्चित हुआ था और आज भी इस निबंध की प्रासंगिकता है। प्रस्तुत है दोस्तों अद्भुत अपूर्व स्वप्न। आज रात्रि को प्रयंक पर जाते ही अचानक आंख लग गई। सोते में सोचता क्या हूं कि इस चलायमान शरीर का कुछ ठीक नहीं, इस संसार में नाम स्थिर रहने की कोई युक्ति निकल आवे तो अच्छा है, क्योंकि यहाँ की रीति देख मुझे पूरा विश्वास होता है इस चपल जीवन का क्षण भर का भरोसा नहीं। ऐसा कहा भी है, श्वास श्वास पर हरि भजो, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने या श्वास को आवन होए न होए। देखो, समय सागर में एक दिन सब संसार अवश्य मस्त हो जाएगा, कालवश शशि सूर्य भी नष्ट हो जाएंगे, आकाश में तारे भी कुछ काल पीछे दृष्टि ना आएंगे, केवल कीर्ति कमल संसार सरोवर में रहे व ना रहे, और सब तो एक न एक दिन तप्त तवे की बूंद हुए बैठे हैं। इस हेतु बहुत काल तक सोच समझ प्रथम यह विचारा कि कोई देवालय बनवा कर छोड़ो, परंतु थोड़ी ही देर में समझ में आ गया कि इन दिनों की सभ्यता के अनुसार इससे बड़ी कोई मूर्खता नहीं, और वह तो मुझे भली भांति मालूम है कि यह अंग्रेजी शिक्षा रही तो मंदिर की ओर मुख फेर कर भी कोई न देखेगा। इस कारण इस विचार का परित्याग करना पड़ा। फिर पड़े पड़े पुस्तक रचने की सूची, परंतु इस विचार में बड़े कांटे निकले, क्योंकि बनाने की देर न होगी कि कीट क्रिटिक काट कर आधी से अधिक निकल जाएंगे, यश के स्थान शुद्ध अपयश प्राप्त होगा। जब देखा कि अब टूटे फूटे विचार से काम न चलेगा, तब लाडली नींद को दो रात पड़ोसियों के घर भेज आंख बंद कर शंभू की समाधि लगा गया। यहाँ तक कि 61 व 51 वर्ष उसी ध्यान में बीत गए। अंत में एक मित्र के बल से अति उत्तम बात की पूंछ हाथ में पड़ गई। स्वप्न ही में प्रभात होते ही पाठशाला बनाने का विचार दृढ़ किया, परंतु जब थैली में हाथ डाला तो केवल 11 गाड़ी ही मुहरे निकली। आप जानते हैं इतने में मेरी अपूर्व पाठशाला का एक कोना भी नहीं बन सकता था। निदान अपने इष्ट मित्रों की भी सहायता लेनी पड़ी। ईश्वर को कोटि धन्यवाद देता हूँ जिसने हमारी ऐसी सुनी। यदि ईंटों के ठोर मुहर चिनवा लेते तब भी तो 10-5 रेल रुपए और खर्च पड़ते। होते होते सब हरि कृपा से बनकर ठीक हुआ। इसमें जितना समस्त व्यय हुआ वह तो मुझे स्मरण नहीं है, परंतु इतना अपने मुंशी से मैंने सुना था कि एक का अंक और 387 शून्य अकेले पानी में पड़े थे। बनने को तो एक क्षण में सब बन गया था, परंतु उसके काम जोड़ने में पूरे 35 वर्ष लगे। जब हमारी अपूर्व पाठशाला बनकर ठीक हुई, उसी दिन हमने हिमालय की कंदराओं में से खोज खोज कर अनेक उदंड पंडित बुलवाए, जिनकी संख्या 0.5 से अधिक नहीं है। इस पाठशाला में अगणित अध्यापक नियत किए गए, परंतु मुख्य केवल ये हैं: पंडित मुक्तमणि शास्त्री तर्कवाचस्पति प्रथम अध्यापक, पाखंड प्रिय धर्माधिकारी अध्यापक धर्मशास्त्र, प्राणांतक प्रसाद वैद्यराज अध्यापक वैद्यक शास्त्र, लुप्त लोचन ज्योतिषाभरण अध्यापक ज्योतिष शास्त्र, शील दानालल नीति दर्पण अध्यापक आत्मविद्या। इन पूर्वोक्त पंडितों के आ जाने पर अर्धरात्रि गए पाठशाला खोलने बैठा। उस समय सब इष्ट मित्रों के सन्मुख उस परमेश्वर को कोटि धन्यवाद दिया जो संसार को बनाकर
क्षण भर में नष्ट कर देता है, और जिसने विद्या शील बल के सिवाय मान मूर्खता परद्रोह परनिंदा आदि परम गुणों से इस संसार को विभूषित किया है। हम कोटि धन्यवाद पूर्वक आज इस सभा के सम्मुख अपने स्वार्थरत चित्त की प्रशंसा करते हैं, जिसके प्रभाव से ऐसे उत्तम विद्यालय की नींव पड़ी। उस ईश्वर को ही अंगीकार था कि हमारा इस पृथ्वी पर कुछ नाम रहे, नहीं तो जब द्रव्य की खोज में समुद्र में डूबते डूबते बचे थे, तब कौन जानता था कि हमारी कपोल कल्पना सत्य हो जाएगी। परंतु ईश्वर के अनुग्रह से हमारे सब कष्ट दूर हुए और अंत समय हमारी अभिलाषा पूर्ण हुई। हम अपने इष्ट मित्रों की सहायता को कभी न भूलेंगे, जिनकी कृपा से इतना द्रव्य आया कि पाठशाला का सब खर्च चल गया और 10-5 पीढ़ी तक हमारी संतान के लिए बच रहा। हमारे पुत्र परिवार के लोग चैन से हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। हे सज्जनों, यह तुम्हारी कृपा का विस्तार है कि तन मन से आप इस धर्म कार्य में प्रवृत्त हुए। नहीं, मैं दो हाथ पैर वाला बेचारा मनुष्य आपके आगे कौन कीड़ा था जो ऐसे दुष्कर कर्म को कर लेता। यहाँ तो केवल घर की मूछें ही मूछें थी, कुछ मेह कुछ गंगाजल, आज आपकी कृपा से भली भांति हो गया। मैं आज के दिन को नित्यता का प्रथम दिन मानता हूँ, जो औरों को अनेक साधन से भी मिलना दुर्लभ है। धन्य है उस परमात्मा को जिसने हमारे यश के डह डहे अंकुर फिर हरे किए। हे सुजन शुभचिंतको, संसार में पाठशाला अनेक हुई होंगी, परंतु हरि कृपा से जो आप लोगों की सकल पूर्ण कामधेनु यह पाठशाला है, वैसी अचरज नहीं कि आपने इस जन्म में न देखी सुनी हो। होनहार बलवान है, नहीं कली काल में ऐसी पाठशाला का बनाना कठिन था। देखिए, यह हम लोगों के भाग्य का उदय है कि ये महामुनि मुग्धमणि शास्त्री बिना प्रयास हाथ लग गए। जिनको सतयुग के आदि में इंद्र अपनी पाठशाला के निमित्त समुद्र और वन जंगलों में खोजता फिरा, अंत में हार मान बृहस्पति को रखना पड़ा। हम फिर भी कहते हैं यह हमारे भाग्य की ही महिमा थी कि वे ही पंडित राज मृगयाशील स्वान के मुख में शस के धोखे बद्रिकाश्रम की एक कंदरा में पड़ गए। इनकी बुद्धि और विद्या की प्रशंसा करते दिन में सरस्वती भी ल जाती है। इसमें संदेह नहीं कि इनके थोड़े ही परिश्रम से पंडित मूर्ख और अबोध पंडित हो जाएंगे। हे मित्र, मेरे निकट जो महाशय बैठे हैं, इनका नाम पंडित पाखंड प्रिय है। किसी समय इस देश में इनकी बड़ी मानता थी, सब स्त्री पुरुषों को इन्होंने मोह रखा था, परंतु अब काल चक्र के मारे अंग्रेजी पढ़े हिंदुस्तानियों ने इनकी बड़ी दुर्दशा की। इस कारण प्राण बचाकर हिमालय की तराई में हरित दूरवा पर संतोष कर अपना काल क्षेप करते थे। विपत्ति ईश्वर किसी पर न डाले, जब तक इनका राज था दृष्टि बचाकर भोग लगाया करते थे। कहाँ अब स्वान श्रृगाल के संग दिन काटने पड़े, परंतु फिर भी इनकी बुद्धि पर पूरा विश्वास है कि एक कार्तिक मास भी इनको लोग स्थिर रह जाने देंगे तो हरि कृपा से समस्त नवीन धर्मों पर 4-5 दिन में पानी फेर देंगे। इनसे भिन्न पंडित प्राणांतक प्रसाद भी प्रशंसनीय पुरुष हैं। जब तक इस घट में प्राण हैं, तब तक न किसी पर इनकी प्रशंसा बन पड़ी न बन पड़ेगी। ये महावैद्य के नाम से इस समस्त संसार में विख्यात हैं। चिकित्सा में ऐसे कुशल हैं कि चिता पर चढ़ते चढ़ते रोगी इनके उपकार का गुण नहीं भूलता। कितने ही रोग से पीड़ित क्यों ना हो, क्षण भर में स्वर्ग के सुख को प्राप्त होता है। जब तक औषधि नहीं देते, केवल उसी समय तक प्राणों को संसारी व्यथा लगी रहती है। आप लोग कुछ काल की अपेक्षा कीजिए, इनकी चिकित्सा और चतुराई अपने आप प्रकट हो जाएगी। यद्यपि आपके अमूल्य समय में बाधा हुई, परंतु यह भी स्वदेश की भलाई का काम था। इस हेतु आप आतुर न होजिए,
और शेष अध्यापकों की अमृतमय जीवन कहानी श्रवण कीजिए। ये लुप्त लोचन ज्योतिषाभरण बड़े उदंड पंडित हैं, ज्योतिष विद्या में अति कुशल हैं। कुछ नवीन तारे भी गगन में जाकर ये ढूंढ आए हैं और कितने ही नवीन ग्रंथों की रचना कर डाली है। उनमें से तामिश्रम करालय प्रसिद्ध और प्रशंसनीय है। यद्यपि इनको विशेष दृष्टि नहीं आता, परंतु तारे इनकी आंखों में भली भांति बैठ गए हैं। रहे पंडित शील दावानल नीति दर्पण, इनके गुण अपार हैं। समय थोड़ा है, इस हेतु थोड़ा सा आप लोगों के आगे इनका वर्णन किया जाता है। ये महाशय बाल ब्रह्मचारी हैं, अपनी आयु भर नीति शास्त्र पढ़ते पढ़ाते रहे हैं। इनसे नीति तो बहुत से महात्माओं ने पढ़ी थी, परंतु वेणु, बाणासुर, रावण, दुर्योधन, शिशुपाल, कंस आदि इनके मुख्य शिष्य थे। और अब भी कोई कठिन काम आकर पड़ता है तो अंग्रेजी न्यायकर्ता भी इनकी अनुमति लेकर आगे बढ़ते हैं। हम अपने भाग्य की कहाँ तक सराहना करें, ऐसा तो संयोग इस संसार में परम दुर्लभ है। अब आप सब सज्जनों से यही प्रार्थना है कि आप अपने अपने लड़कों को भेजें और व्यय आदि की कुछ चिंता ना करें, क्योंकि प्रथम तो हम किसी अध्यापक को मासिक देंगे नहीं, और दिया भी तो अभी 10-5 वर्ष पीछे देखा जाएगा। यदि हमको भोजन की श्रद्धा हुई तो भोजन का बंधन बांध देंगे, नहीं तो नियत कर देंगे कि जो पाठशाला संबंधी द्रव्य हो उसका वे सब मिलकर नाश लिया करें। अब रहे केवल पाठशाला के नियत किए हुए नियम, सो आपको जल्दी जल्दी सुनाई देता हूँ। शेष स्त्री शिक्षा का जो विचार था वह आज रात को हम घर पूछ लें तब कहेंगे। नियमावली नंबर 1, नाम इस पाठशाला का गगनगत अविद्या वरुणालय होगा। नंबर 2, इसमें केवल वंध्या और विधवा के पुत्र पढ़ने पाएंगे। नंबर 3, डेढ़ दिन से अधिक और 97.5 से कमती आयु के विद्यार्थी भीतर ना आने पाएंगे। शेर भर सुंघनी अर्थात हुलास से 3 शेर तक कक्षा अनुसार फीस देनी होगी। 2 मिनट 12 बजे रात से पूरे 5 बजे तक पाठशाला होगी। नंबर 6, प्रत्येक उजाली या अमावस्या को भर्ती हुआ करेगी। नंबर 7, पहले पक्ष में स्त्री और दूसरे पक्ष में बालक शिक्षा पाएंगे। नंबर 8, परीक्षा प्रतिमास होगी परंतु द्वितीय द्वादशी की संधि में हुआ करेगी। नंबर 9, वार्षिक परीक्षा ग्रीष्म ऋतु माघ मास में होगी, उनमें जो पूरे उतरेंगे वे उच्च पद के भागी होंगे। नंबर 10, इस पाठशाला में प्रथम 5 कक्षा होंगी और प्रत्येक ऋतु के अंत में परीक्षा लेकर नीचे वाले ऊपर की कक्षा में भर लिए जाएंगे। नंबर 11, प्रतिपदा और अष्टमी भिन्न 1 अमावस्या को स्कूल और खुलेगा, शेष सब दिन बंद रहेगा। नंबर 12, किसी को काम के लिए छुट्टी न मिलेगी और प्रोक्ष होने में 5 मिनट में 2 बार नाम कटेगा। नंबर 13, कुछ भी अपराध करने पर चाहे कितना भी तुच्छ हो, इंडियन पिनल कोड अर्थात ताजिरात हिंद के अनुसार दंड दिया जाएगा। नंबर 14, मुहर्रम में 1 साल पाठशाला बंद रहेगी। नंबर 15, मल मास में अनध्याय के कारण नृत्य और संगीत की शिक्षा दी जाएगी। नंबर 16, छल, निंदा, द्रोह, मोह आदि के भवसागर के 14 कोटि रत्न घोल कर पिलाया जाया करेंगे। नंबर 17, इसका प्रबंध धूर्त वंशावतंस नाम जगत विदित महाशय करेंगे। नंबर 18, नीचे लिखी हुई पुस्तकें पढ़ाई जाएंगी। व्याकरण, मुक्त मंजरी, शब्द संहार, अज्ञान चंद्रिका, धर्मशास्त्र, वंचक वृत्ति रत्नाकर, पाखंड विडंबन, अधर्म सेतु, वैद्यक मृत्यु चिंतामणि, मनुष्य धनहरण, कालकुठार, ज्योतिष, मुहूर्त मिथ्यावली, मूर्खाभरण, गणित वर्गांकुर, नीतिशास्त्र, नष्ट नीति दीप, अनीति शतक, धूर्प पंचासिका। इन दिनों की सभ्यता के मूल ग्रंथ असत्य संहिता, दुष्ट चरितामृत, भ्रष्ट भास्कर, कोश, कुशब्द कल्पतरु, शून्य सागर, नवीन नाटक, स्वार्थ संग्रह, कृतघ्न कुलमंडन,
अब जिस किसी को हमारी पाठशाला में पढ़ना अंगीकार हो, यह समाचार सुनने के प्रथम तार में खबर दें, नाम उसका किताब में लिख लेंगे, पढ़ने आओ चाहे मत आओ। दोस्तों, ये था भारतेंदु हरिश्चंद्र का एक व्यंग परक निबंध, जिसमें उन्होंने शिक्षा को मुख्य विषय बनाया है। आपने इसमें महसूस किया होगा कि उन्होंने जो नाम लिखे हैं पंडितों के, उसमें पढ़ाने वाले शिक्षकों के, उनके नाम के आधार पर, और जो उन्होंने वहाँ का पाठ्यक्रम, सिलेबस और जो पुस्तकें लगाई हैं और जो नियम बनाए हैं, उन सब के ऊपर ध्यान से यदि आप महसूस करोगे तो ये शिक्षा व्यवस्था की आलोचना है पूरी तरीके से, कि जो शिक्षा में सिखाया जा रहा है। और ये निबंध न केवल उस समय की शिक्षा के ऊपर एक करारा व्यंग है, बल्कि आज की शिक्षा प्रणाली के बारे में भी हम फिर से इसके संदर्भ में विचार कर सकते हैं, कि जो जिस तरह से पढ़ाया जा रहा है, जैसे इसमें नाम लिखे हैं कि जो तर्क वाचस्पति हैं वो मुग्धमणि शास्त्री हैं, पंडित मुग्धमणि, जबकि जो तर्क के शिक्षक या तर्क होता है उसमें मुग्ध का कोई स्थान नहीं होता, वो पूर्वाग्रहों से मुक्त होता है, वो पूरी तरह से तथ्यों और सत्यों के ऊपर आधारित होता है। जो धर्मशास्त्र के अध्यापक है, पाखंड प्रिय धर्माधिकारी, ये जो पाखंड प्रियता है कि धर्म में किस चीज का बोलबाला हो रहा है, वैद्यराज जो वैद्यक शास्त्र है, चिकित्सा शास्त्र है, प्राणांतक प्रसाद कि जो प्राणों का अंत कर दे, ये वैद्य के लिए, और ज्योतिष के लिए जो भविष्य को बताता है, लुप्त लोचन ज्योतिषाभरण कि जिसकी आंखें लुप्त हो गई हैं और ज्योतिष का ज्ञान रखता है, और नीति के लिए शील दावानल नीति दर्पण कि जो शील को दावानल की तरह से जो समाप्त कर देता है, ऐसे अध्यापक। इस तरह की कल्पना, इस तरह की भारतेंदु हरिश्चंद्र ने उस तत्कालीन शिक्षा पद्धति, उसके कंटेंट के ऊपर लिखा है, और इसकी जो टेक्निक है वो भी एक स्वप्न में है, क्योंकि शासन सत्ताएं जिस तरह से अपने विरोधियों को बर्दाश्त नहीं करती, तो उसमें लेखक इस तरह की टेक्निक निकाल के लेके आता है, जिसमें जो पाठक है उसका भी कुछ मनोरंजन हो और जो लेखक है वो भी अपना बचाव कर सके। रोचकता प्रदान करने के लिए जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र ने चीज़ों को उलट दिया व्यंग बनाने के लिए, तो ये 19वीं शताब्दी के अंतिम समय का लिखा हुआ लेख, क्योंकि उस समय शिक्षा के ऊपर चर्चा बहुत ही विचारोत्तेजक थी, शिक्षा में अनेक तरह के विचार उस समय पे आ रहे थे, शिक्षा का स्वरूप कैसा हो, शिक्षा को पढ़ाने वाले कैसे हों, पढ़कर के कोई क्या करेगा, उसका मंतव्य क्या होगा, इन सब बातों पे विचार किया जा रहा था। और शिक्षा जो आज दी जाती है वो हमेशा भविष्य के लिए दी जाती है, और जो शिक्षा संबंधी जितने भी कार्यक्रम हैं उनसे ही अनुमान लगता है कि भविष्य में कोई समाज या देश किस दिशा में बढ़ेगा। तो दोस्तों, ये निबंध हमें आज अपनी शिक्षा के ऊपर नज़र डालने के लिए प्रेरित करता है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, आप इसे आगे बढ़ाइए। मिलते हैं किसी और विचारोत्तेजक निबंध के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।